दोस्तों अपने इंडिया का लेटेस्ट लॉन्च तो हुंडई वर्ना है, लेकिन यहाँ पर हमें पसंद आ रही है MG5। और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू MG5। कल हमने बात करी थी MG5 के डार्क एडिशन के बारे में, वहाँ पर आपने देखा ना ब्लैक कलर में कितनी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है, लेकिन कुछ फीचर वहाँ मिस आउट थे, जैसे कि सनरूफ उस मॉडल में नहीं है। इंटीरियर में जो फीचर आज हम देखेंगे वो इसमें सब कुछ हमें आइडिया लग जाएगा, और प्राइसिंग भी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से MG ने यहाँ पर प्राइसिंग को सारा मैनेज करा हुआ है। जिस हिसाब से आपको इंडिया में वर्ना के टोटल 4 मॉडल मिल रहे हैं, EX मिल रहा है, S मिल रहा है, SX है और SX ऑप्शनल मिल रहा है, जहाँ टॉप मॉडल आपको 17.37 लाख रुपीज में सब कुछ ऑफर कर रहा है, DCT के साथ दिया जा रहा है, उसी तरीके से MG ने भी कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑफरिंग रखी है। सब कुछ आपको बताऊंगा, जहाँ पर ये गाड़ी का डिज़ाइन आपके सामने है, कहीं ना कहीं जैगुआर का लुक, एस्टन मार्टिन का लुक, मर्सिडीज़ का लुक, फरारी का लुक, सब कुछ यहाँ पर MG ने एक कॉकटेल बना के हमें ऑफर करा है। पीछे आप देखेंगे पूरा का पूरा जैगुआर वाला लुक मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया लगती है। साथ ही जो कलर ऑप्शन भी है, ये इसका एक तरीके से न्यूक्लियर येलो कलर ऑप्शन कहती है MG, और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। पीछे आप देखेंगे MG5 लिखा हुआ है। यहाँ पर कल हमने बात करी थी जो इसका टेल लैम्प है अलग ही डिज़ाइन में है, बिल्कुल यहाँ पर जैसे जैगुआर का पंजा होता है ना, तेंदुए का पंजा, वो चीज़ यहाँ पर लगाई गई है। बताइए कैसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पोर्टी बनाने के लिए पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। साथ में आप देखेंगे MG का लोगो, ब्रिट डायनेमिक की बैजिंग, और ये दिखती है गाड़ी साइड प्रोफाइल से। अब इस गाड़ी की लंबाई आपकी वर्ना के मुकाबले 140 मिलीमीटर ज़्यादा है। वर्ना की जो लंबाई है कहीं ना कहीं 4.5 मीटर में है, ये गाड़ी जा रही है 4.6 मीटर्स में। लेकिन प्राइसिंग में ये गाड़ी ना, अगर इंटरनेशनली मैं देख रहा हूँ तो वर्ना के आजू बाजू ही है। MG के साथ ही रहता है कि साइज थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ही दे देते हैं, जिससे कंपटीशन को थोड़ा सा यहाँ पर और कंपटीशन फील होने लगता है, और फीचर में गाड़ी ऑलरेडी आ गई है। यहाँ पर आप देखिए 17 इंच के आपको टायर मिलेंगे, लेकिन एक कमी मुझे लग रही है कि प्रोफाइल थोड़ी सी कम है, लेकिन इंडिया में अगर इनका मूड देने का बनाई तो प्रोफाइल तो फिर 16 इंच में ही आ जाएंगे, फिर तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। साइज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनने मेंशन करा था 215/50 सेक्शन का टायर है, जो कि आप देखेंगे 17 इंच के रिम के साथ दिया जा रहा है। रियर में भी आपको डिस्क का ऑप्शन मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। आपको टोटल 5 लगनट्स का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पर फ्यूल टैंक है। गाड़ी की आप पूरे सिलवेट देख रहे हैं, किस हिसाब का डिज़ाइन है, मतलब थोड़ा सा लाइटिंग का यहाँ पर आपको लग रहा होगा, लेकिन भैया गाड़ी का डिज़ाइन एक नंबर डिज़ाइन दिया गया है, बहुत ही शानदार। आप देखिए सनरूफ, तो ये भी इसका एक पॉइंट है जो कि स्पेशली हम इंडियंस की एक पहली पसंद रहता है कि हमें चाहिए ही चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार रहने वाला है। अंदर चलेंगे अभी, और जो अंदर के इंटीरियर्स है कहीं ना कहीं आपको टाटा हैरियर की याद दिला रहे होंगे, जो यहाँ पर आप पूरी डिस्प्ले और ये चीज़ें देख रहे हैं। बाकी हर कोई गाड़ी को एक्सप्लोर कर रहा है, कलर ऑप्शन अलग है ना, इसलिए हर किसी की नज़र में बैठ जाती है ऐसी चीज़। अब लेने के लिए लोग बहुत सेलेक्टेड होंगे इस कलर के साथ, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ लगेगी। देखिए फ्रंट से, यहाँ पर पूरा पूरा गाड़ी में जो एस्टन मार्टिन वाला लुक है, मर्सिडीज़ है, और एक तरीके से ना थोड़ा सा एक अलग ही टच है, एक स्पोर्टी फील आती है जो गाड़ी में, वो आपके सामने है। MG का लोगो है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ग्रिल है, इसे MG कहती है डिजिटल बर्निंग ग्रिल, तो ये MG की फिलॉसफी है। अगर आप देख रहे हैं इसकी आइस को, जो सारा आप हेडलैम्प है, अलग लेवल में मिलेगा। वरना की तरह ही कोई भी आपको यहाँ पर फॉग लैम्प नहीं है, फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर भी नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही कोई एडास के फंक्शन नोटिस हो रहे हैं, लेकिन 360 डिग्री कैमरे वाली चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये है गाड़ी आपके सामने। बाकी करेक्टर वाइज गाड़ी बहुत ही एग्रेसिव लगने वाली है, और अल्टीमेट काम यहाँ पर MG ग्लोबल ने किया हुआ है। आगे देखेंगे वही 215/50 R17 का टायर मिलने वाला है, और गाड़ी इस तरीके से दिखती है। थोड़ा सा ना एक स्लीपिंग कार वाला फील है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ी सी ये लो फील होती है, सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा कम है, और एक अल्टीमेट मशीन वाली फील दे जाती है। अब जिस तरीके से आपकी वर्ना में 160 हॉर्स पावर का इंजन मिल रहा है, हर कंपनी फेल हो गई है उसके सामने। स्कोडा, आप देखिए फोक्सवैगन, हर किसी को मतलब अपने फिगर को दोबारा एक बार देखना पड़ रहा है, भाई हमारे 150 हॉर्स पावर कम पड़ गए, हमारे 160 हॉर्स पावर के आगे कुछ भी नहीं दिख रहे। तो वही चीज़ MG के साथ भी है। यहाँ पर इनने जो टर्बो का ऑप्शन आता है एक तरीके से हेक्टर वाला, वो अभी नहीं उतारा है इसके साथ कहीं भी मार्केट में। सिर्फ जो आपकी एस्टर में नॉर्मल पेट्रोल आता है 1.5, उसी का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी प्राइसिंग के हिसाब से मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ इसको। ज़्यादा प्राइस अगर आप टर्बो के लिए पे कर रहे हैं तो वो सेंस नहीं बनता है, फिर एक सेगमेंट को अपग्रेड करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, हुंडई ने बिल्कुल सही प्राइसिंग के साथ अपने टर्बो को ऑफर करा है, ORVM इस तरीके से मिलेगा। बाकी ये जो येलो कलर है आपको कैसा लग रहा ज़रूर बताएगा, कहीं ना कहीं जो फरारी है उसकी फील ये देने की कोशिश कर रहे हैं, और गाड़ी की ये पूरी सिल्वेट आपने देखी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, प्राइसिंग एक नज़र मैं आपको बता दूंगा। जैसे वरना जो प्राइसिंग अपनी साथ लाई है ना, 10.89 लाख रुपीज़, 10,90,000 रुपये एक शोरूम, और टॉप मॉडल जाते जाते आपको 17.37 में पड़ेगा। अगर आप SX ऑप्शनल में ही एक तरीके से नॉन टर्बो इंजन के साथ जाएंगे, 1.5 MPI
वहाँ पर गाड़ी कहीं ना कहीं 14.5 लाख रुपए के रेंज में आपको एक्स शोरूम पड़ रही है, 14.7 लाख रुपीज़ के आसपास। तो उसी के आजू बाजू ये गाड़ी भी अपना जो बेस मॉडल है वो दिखाना शुरू करती है, लेकिन जो इसका बेस मॉडल है वो एक तरीके से फीचर लोडेड रहता है। टोटल 4 मॉडल है इसमें, सी रहता है, डी है, डी प्लस है, और ये टॉप मॉडल इसका एक्स मॉडल है। तो ये अलग मामला हो जाता है। गाड़ी के कट्स देखें, क्रीजेस देखें, कलर आपने समझा न्यूक्लियर येलो है। अब फीचर देखने चलते हैं क्योंकि अंदर ही सारी कहानी है, क्योंकि डिज़ाइन कल भी हम देख रहे थे। डोर देखेंगे तो प्रॉपर जिस तरीके से MG Hector में आपको हैवी डोर मिलते हैं तो क्वालिटी अच्छी लगेगी। आप देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं आपकी ऑल न्यू MG 5 के इंटीरियर्स में, और यहाँ पर ना टॉप मॉडल में अलग ही वाली फील आ रही है। कुछ आप देख रहे हैं वहाँ पर क्रिस्टल लगे हुए हैं तो वो अलग चीज़ है। स्क्रीन आप देखेंगे थोड़ी छोटी लग रही है लेकिन दी गई है काम की। यहाँ पर आपसे शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड टच यूज़ किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे सॉफ्ट टच है, थोड़ा सा एक्स मॉडल है तो रेड हाईलाइट यहाँ यूज़ किया गया। पावर विंडो के सारे कंट्रोल, स्पीकर का सिस्टम यहाँ है, और डोर की ओपनिंग बहुत ही बड़ी लगने वाली है। ये कुछ इसका साइज़ है, देख रहे हैं आप गाड़ी के साथ क्या अल्टीमेट गाड़ी बनाई है। मतलब कलर ऑप्शन से ही सारा एक गेम यहाँ पर पलट जा रहा है। ब्लैक के साथ एक अलग लुक था लेकिन येलो के साथ और बढ़िया आ रही है। यहाँ पर आपको 4-way एडजस्टेबल का ऑप्शन एक तरीके से दिखाया गया है। लंबार सपोर्ट को एडजस्ट करने के लिए मैनुअल ऑप्शन दिया गया है। लोअर बैक के लिए अगर आपको थोड़ा और सपोर्ट चाहिए तो स्टेयरिंग नॉर्मल मिलेगा। फंक्शन देख लेते हैं इसके, टोटल 6 एयरबैग। बाकी यहाँ पर देखेंगे सनरूफ का ऑप्शन दिया गया है, ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर यहाँ दिए गए। तो एक डार्क एडिशन वाली थीम इसमें भी बरकरार है, लेकिन ये जो चीज़ें आ चुकी है ना उससे थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। ये इसका फ्यूल लिड है, यहाँ से इंजन खोलने के लिए है, साथ में यहाँ पर फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहाँ पर इंजन बे को एक्सेस करने के लिए है, और साथ में देखेंगे ये ORVM के और लाइट के सारे कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है। और गाड़ी के अंदर चलते हैं सीधे और समझते हैं क्या कुछ यहाँ इनने ऑफर करा हुआ है। तो अंदर भी आप आएंगे तो यहाँ पर एक तरीके से जो पूरा व्यू बनाया गया ना, एक तरीके से ड्राइवर को ही सेंटर कर रखा गया है। ये चीज़ भी आप देखेंगे, हल्की सी ड्राइवर की ओर टिल्ट है, हल्की नहीं है, अच्छी खासी टिल्ट है ड्राइवर की ओर। सबसे पहले देखेंगे पीला पीला जो आपको सारा बॉनेट दिख रहा है वो यहाँ इस गाड़ी की विजिबिलिटी है। यहाँ पर देखेंगे हार्ड टच आपको फील होगा, थोड़ा टेक्स्चर यहाँ बनाया गया है और एक भारी भरकम गाड़ी वाला फील है यार। अब ये स्क्रीन ना भैया बहुत टाइम से ऑन है तो थोड़ी हीट हो गई यहाँ पर, ये गर्म गर्म फील हो रही है, और कोई एयर कंडीशनिंग भी यहाँ पर ऑन नहीं है तो ये अच्छी खासी हीट के साथ आ चुकी है। साइज़ इसका 10 इंच का आपको मिलने वाला है। तो ये है आपके सामने, इसमें आप होम में ही हैं अभी, क्या क्या ऑप्शन दिए गए। अब अभी मैं थाईलैंड में हूँ तो इसके सारे ऑप्शंस आपके सामने, थोड़ा लैंग्वेज का यहाँ पर बैरियर हो जाएगा मिलने कि आपको बता पाऊँ, लेकिन फिर भी बेसिक से सारे ऑप्शन है, कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ किससे है। अब जो इंडिया में आपको लंबी चौड़ी भैया हेक्टर के साथ स्क्रीन मिल रही है उसके सामने तो ये छोटी फील होगी, लेकिन मुझे सही सही सी लग रही है। 360 डिग्री कैमरा जो उन्होंने दिया हुआ है, कितना लैग के साथ आया, इतना लैग आपको फील होगा। ये कुछ जो हेक्टर में आपने फंक्शन देखे थे ना वो चीज़ दिखा रहा है भाई, ये भी देख रहे हैं आप, आठों कोनों को ये एक तरीके से इतना इतना इसने अपना टाइम लेना है आराम आराम से। अच्छा, 4 ही कोने दिखाता है एक तरीके से, यहाँ पर करेंगे अगर इसको मैं करूँ तो इसको कुछ डिटेक्ट नहीं करेगा ये सीधे, या तो ये या तो ये, टोटल 4 कॉर्नर्स को दिखाता है और ये एक एगमेंटेड वाली यहाँ पर इमेज बनाता है। 3D को हम इस तरीके से करें तो ऊपर से ये चीज़ें सेटिंग्स। तो भैया ये कुछ मामला इसके सामने, ये आप देख रहे हैं इसका ड्राइवर क्लस्टर जो कि फुली डिजिटल फील होने वाला है। थोड़ा सा ये जो स्पीडोमीटर के लेटर्स हैं ना थोड़े और बड़े हो सकते थे, ये टैकोमीटर रखा गया है, ये रखा गया है इसका जो नॉर्मल सा आपको स्पीडोमीटर है, थोड़े और बड़े हो सकते थे। स्टीयरिंग देखेंगे, वॉल्यूम के सारे कंट्रोल, एस्टर की तरह ही एक अलग टॉगल, वही चीज़ यहाँ पर क्रूज कंट्रोल रखा गया है। बेसिक सारे इसके कमांड है जिसमें आपको रिज्यूम का ऑप्शन रखा है, कैंसिल का ऑप्शन है, सेट करने का ऑप्शन है, और प्लस माइनस करने का ऑप्शन आपको ये चीज़ों से दिया गया है। तो ये एस्टर की तरह है, लेकिन जो नई वाली हेक्टर में यहाँ पर आपको 2 नए बटन मिल रहे हैं वो वाली चीज़ इसमें नहीं है, क्योंकि एडास को थोड़ा भी ये मिस कर रही है। बाकी उसके अलावा और कोई टॉगल नहीं है, 3 ही टॉगल दिए गए। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ पर सिर्फ टिल्ट का फंक्शन दिया गया है, ये चीज़ कैसी लगी ज़रूर बताना। बाकी मेरा हेडरूम शोल्डर रूम इस तरीके से मिलने वाला है, पीली पीली गाड़ी के अंदर लाल लाल भाई आपका बैठा हुआ है, किस तरीके से दिख रहा ज़रूर बताना। मैंने येलो कलर इसलिए कवर करा, इससे पहले भी करा हुआ था लेकिन उसमें सनरूफ और ये चीज़ें नहीं थी, तो यहाँ पर ना ये बीच बीच में कुछ भी करते रहते हैं, कोई कभी भी मॉडल आते रहता है। तो चलो हमें जब भी जो कुछ आपको दिखाने का मौका मिला ये सही चीज़ हो जाती है, बोल भी लेते हैं इसको एक बार, क्या दिक्कत है, कितना जा रहा है। होंडा सिटी से तो मुझे ये बड़ा लग रहा है, कहीं ना कहीं वरना के लेवल में ही आ चुका है, इससे पीछे नहीं जा रहा है क्या, तो ये इससे पीछे नहीं जाएगा, आगे को ही आ जा रहा है।
यही इसका पीछे जाने का पूरा मूड है। यहाँ पर लाइट देखेंगे आपको हेलोजन ऑप्शन दे रही है, सनग्लास होल्डर ऐसे बेसिक मिलेगा। यहाँ पर आपको IRVM भैया मिस आउट हो गया, ये डे नाइट फंक्शन है लेकिन मैनुअली करना होगा। अब हम चलते हैं नीचे की ओर, सेंटर कंसोल में आप देखेंगे वायरलेस चार्जर है, लेकिन ये चीज़ मिस कर दी है हमने, ये देख रहे हैं पियानो फिनिश के साथ है। और ये जो आप यहाँ पर सारा देख रहे हैं, ये बढ़िया सी फिनिश दी है और ये चीज़ आपको थोड़ी सी और लस्टर के साथ मिलने वाला, अच्छा लग रहा है। सिक्स एयरबैग वाला ऑप्शन है इसमें। अब इस गाड़ी में जो इंजन ऑप्शन आपको मिलेगा सेम एस्टर वाला मिलेगा, पावर इधर उधर हो सकती है। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, कोई भी यहाँ पर टर्बो का ऑप्शन नहीं है, कोई भी डीजल का ऑप्शन नहीं है। एक और लॉन्च इनका स्टार्ट हो गया, पावर ये बनाता है 114 हॉर्स पावर के आसपास और करीब 150 Nm के आसपास का टॉर्क। सेम टू सेम जो वरना का पेट्रोल है ना, नॉन टर्बो MPI वाला, वही पावर फिगर है। माइलेज उसी के आसपास है, 16 की क्लेम करते हैं, रियल लाइफ में 13-14 देता है। इनको यहाँ पर TCT का ऑप्शन देना चाहिए, टर्बो का ऑप्शन देना चाहिए और कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इंडिया में भी इस गाड़ी को लाया जाए, क्योंकि देखिए ना अपनी सेडान सेगमेंट अब दोबारा से रिवाइव हो रही है। शुरुआत यहाँ पर Volkswagen ने करी, स्कोडा ने करी, नए नए पावरफुल TSI इंजन लाई, फिर उसके बाद होंडा सिटी ने हाइब्रिड लॉन्च कर दी, अब भैया तो वरना ने सब कुछ पलट दिया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और यहाँ पर कप होल्डर का स्पेस। नीचे देख रहा हूँ बड़ी सी भैया आर्मरेस्ट मिलती है जो कि अच्छी खासी फिनिश के साथ है और बहुत हैवी फील है इसके साथ। ये गाड़ी ना कहीं हेक्टर वाली फील दे रही है और बढ़िया सी लग रही है। आपको ले चलता हूँ सेकंड रो सीट्स में, वहाँ पर दिखाता हूँ क्या कुछ है। तो फिर ये तो हमने देख ली इसकी फर्स्ट रो सीट, दरवाजों को बंद करेंगे तो अच्छी फील आती है यहाँ पर। सेकंड रो सीट में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने कल भी कहा था कि वरना में जो स्पेस यहाँ पर हुंडई बना के लाई है बहुत ही सही स्पेस बना हुआ है, इसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वरना में थोड़ा बेटर स्पेस है। अगर आप अंडर सपोर्ट देखेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, बीच में टनल दी गई है बड़ी सी, आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आपके सामने है। आपको AC वेंट का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको चार्जिंग का सॉकेट भी मिल रहा है। यहाँ पर वही हार्ड टच मटेरियल है, सॉफ्ट टच है, थोड़ी रेड फिनिश है और ये चीज़ें मिलेगी। अंदर बैठते हैं भैया इसके, आगे देखेंगे डैशबोर्ड इस प्रकार है। कैमरे की क्वालिटी को नोटिस करेंगे तो ना ज़्यादा बहुत बढ़िया है, ना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल एवरेज कहूँगा मैं। और उसके अलावा थोड़ा और बढ़िया हो जाता तो और मज़ा आ सकता था। अब यहाँ देखिए हेडरूम शोल्डरूम तो इस प्रकार मिलने वाला है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी स्लोपिंग है गाड़ी, तो जिस तरीके से पुरानी वरना में दिक्कत थी, एक तरीके से जो फेसलिफ्ट से पुरानी वाली वरना थी, फिफ्थ जनरेशन वाली जो कि ऑडी A4 की तरह दिखती थी, उतना ही कुछ हेडरूम है। लेकिन गाड़ी की जो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है वहाँ पर ये गाड़ी पास होती है। कीमत आपको बता दूँ तो इसका जो बेस मॉडल C मॉडल है, इसकी कीमत बिल्कुल सेम है जो आपकी अभी वरना की SX ऑप्शनल में MPI इंजन के साथ है, यानी कि 14.7 लाख रुपीज़ के आसपास। टॉप मॉडल अगर आप लेने जाएंगे तो कॉस्ट कर रहा है 17.7 लाख रुपीज़, जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, यानी कि लगभग 18 लाख रुपए में इसका टॉप मॉडल है। वहीं लगभग आपको 17.5 लाख रुपए में वरना अपने टॉप मॉडल के साथ सारे फंक्शन दे रही है, अटैच के फंक्शन दे रही है, टर्बो का ऑप्शन दे रही है, DCT का ऑप्शन दे रही है। तो अभी तो भैया वरना ही सही है, लेकिन इस गाड़ी की लंबाई वरना से बड़ी है, थोड़ा सा करेक्टर और डिज़ाइन वरना से और ज़्यादा फ्रेश लगेगा, जबकि ये गाड़ी वरना से पुरानी है। साथ ही देखिए यहाँ पर दो लोग और आराम से आ सकते हैं, एक यहाँ पर टनल आप नोटिस करेंगे, इतना आप यहाँ पर थोड़ा स्पेस और देखेंगे। लेग रूम वेग रूम में कोई भी दिक्कत नहीं है, उतरने चढ़ने में भी कोई समस्या सेडान के अलावा तो आपको फील नहीं होगी। अच्छा आप चलते हैं फिर इसके बूट के अंदर, तो बूट यहाँ बड़ी तेजी से खुलता है, वो इसकी एक खासियत है, कल भी हमने देखा था 401 लीटर का बूट स्पेस है और डीप फील होता है, लेकिन चौड़ाई में बहुत कम है तो स्पेस उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। 509 लीटर का बूट स्पेस आपको होंडा सिटी देती है और करीब 528 लीटर का बूट स्पेस भैया वरना के साथ आ रहा है। तो ये आप देख लीजिए इसके पूरे बूट को, साउंड थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी बाहर, यहाँ पर आप देखेंगे इतना बूट स्पेस है। नीचे आप देखेंगे कोई भी स्पेयर व्हील नहीं है, लेकिन एक टायर पेयर आपको यहाँ पर पंप रखा गया है ताकि हवा आप इसमें भर पाए। और फाइनली हम देख लेते हैं आपकी MG5 में कौन सा इंजन यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। कल जो हमने बात करी थी ना इंजन की, वहाँ पर काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हुए थे कि भैया टर्बो भी दे देते क्या दिक्कत थी MG को, लेकिन टर्बो का ऑप्शन नहीं है। लेकिन भैया बोनेट में बहुत सही वेट है इसका, अगर आप भी एक बार एक्सपीरियंस करेंगे मान जाएंगे। MG का जो लोहा रहता है थोड़ा भारी रहता है, बाकी ये बात है इसके इंजन की। डबल VVT का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है, 4 सिलेंडर का इंजन है, कोई भी टर्बो चार्जर नहीं है, MPI सीरीज में आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके कैटलिटिक कन्वर्टर, अल्टरनेटर, पावर फिगर इसके बिल्कुल सेम है एक तरीके से जो वरना आपको देती है, लेकिन इसका टॉर्क आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा वरना के मुकाबले। वरना में 144 Nm का टॉर्क आता है MPI इंजन के साथ, अगर आप GDI में जाएंगे वहाँ पर 253 है, लेकिन 150 Nm के साथ ये थोड़ा ज़्यादा एक टॉर्क वाला फिगर दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से एस्टर में हमने चलाया तो चलाने में कोई अंतर नहीं है, और कहीं ना कहीं सारे इंजन यहाँ सेम ही फील होता है, सिर्फ जो होंडा सिटी है वो थोड़ा बढ़िया फील होती है इन तीनों में से। यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी का एयर फिल्टर और यहाँ पर देखेंगे इसकी पूरी बैटरी, कूलेंट का सिस्टम, यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूज़ बॉक्स।
अब तो देखिए एमजी के लिए बस एक ही सजेशन है कि इस गाड़ी के साथ टर्बो अगर वो प्लान करके इंडिया में ला पाए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि डीजल अभी इंडिया में फ्यूचर नहीं रहा है। टर्बो पेट्रोल के साथ आइए और कुछ प्लान कीजिए। होने को उन्होंने खुद कहा है कि हम बस अभी एसयूवी मार्केट में फॉलो अप लेंगे और जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है वहाँ पर हमारा जो दबदबा है वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो अपनी सेडान सेगमेंट है दोबारा से ग्रो हो रही है, एक बार वो सोच सकते हैं सेगमेंट को भी। और उतने ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं मिलेंगे मानने की वाली बात है, 4-5 हज़ार पर मंथ भी बहुत बड़ी बात है, सेगमेंट लीडर बन सकता है अगर इतना जो कर लेंगे, लेकिन फिर भी गाड़ी बहुत शानदार है। आपकी क्या राय इस गाड़ी को लेकर ज़रूर बताएगा, क्योंकि एमजी ने सब कुछ ऑफर किया है इसमें। एडास के फंक्शन अलग वीडियो में अभी दिखा देंगे आपको, उनके भी ना अलग अलग यहाँ पर वेरिएंट छुपे हुए होंगे, क्योंकि इतनी लंबी यहाँ पर इनकी पोर्टफोलियो आई हुई है तो कुछ ना कुछ तो अलग अलग आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा ही। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एमजी के लिए अपना कमेंट छोड़िए कि आपको गाड़ी कैसी लगी। अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आई अभी भी 0 नंबर देने हैं, बिल्कुल पसंद आई 10 नंबर देना है, और एक कमेंट भी करना है कि गाड़ी में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और क्या ये जो एस्टन मार्टिन का फ्रंट का लुक है या फिर जो रियर में जैगुआर वाली प्रोफाइल है और तेंदुए के पंजे के साथ, क्या ये आप डिज़ाइन एक्सेप्ट करेंगे? पीछे का लुक तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब हर कोई इसके साथ जा सकता है। आगे का लुक थोड़ा सा लोग कहेंगे भाई कुछ ज़्यादा स्पोर्टी हो गया, और बूट थोड़ा सा छोटा है वो भी मानने वाली बात है। साथ ही एक और चीज़, यहाँ पर एक और मार्किंग जो कल भी हमने देखी थी, E85 की ब्लेंडिंग वाले फ्यूल को भी ये गाड़ी चला सकती है। इंडिया में जो आप E20 फ्यूल देख रहे हैं, VS6 फेस टू नॉर्म वाले जो गाड़ी आ रही है उसी के अकॉर्डिंग ये E85 यानी कि ब्राज़ील की मार्केट में जो फ्यूल चल रहा है ना, यानी कि 85% उसमें पूरा अल्कोहल होगा, सिर्फ जो 15% है उतना ही पेट्रोल होगा। तो उस तरीके के फ्यूल की ब्लेंडिंग को भी ये सपोर्ट करेगा, और जो इसकी फ्यूल पाइप्स है, फ्यूल पंप है, जो सारे इंजेक्टर है और पूरे जो इंटेक की थ्रॉटल बॉडी है वो सब कुछ उसी अल्कोहल को संभालने के लिए बनाई गई है। नॉर्मल अगर गाड़ी में इतना ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला अल्कोहल यूज़ करेंगे तो रस्टिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, प्लास्टिक के पार्ट मेल्ट हो जाएंगे, तो ये सब भी बात है। तो फिर उम्मीद है कि आपको गाड़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या करना है, जाते जाते इस गाड़ी को रैंक जो मैंने आपको बताया, पसंद नहीं आई 0 नंबर, बहुत पसंद आई 10 नंबर, और क्या अलग आपको इस गाड़ी के साथ देखने में मिला, और क्या वरना और कुछ कर सकती थी या फिर होंडा सिटी कर सकती थी जो इस गाड़ी ने कर दिखाया है वो भी बताइएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।